अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने Xiaomi MI के मोबाइल में जो MI का अकाउंट है आप उसको बाईपास कर सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट का जो पासवर्ड है उसका भूल चुके हैं और आपको नहीं पता कि आपने अपना जो अकाउंट है किस तरह इसको रिमूव करना है, किस तरह इसको बाईपास पास करना है, तो वीडियो को आपने फिर शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखना है। तो ये देखिए, अभी मेरे पास जो मोबाइल है वो Redmi Note 5 Pro है और इस पे जो अकाउंट अभी MI का लगा हुआ है, तो इसको मैं बाईपास करके बताऊंगा किस तरह से आपने इसको बाईपास करना है। तो MI का अकाउंट रिमूव करने के लिए आपके पास एक और मोबाइल होना लाजमी है और उस पे जो आपको पासवर्ड भूला हुआ है, आपने जो नंबर दिया हुआ है MI के अकाउंट में, तो वही सिम आपने अपने दूसरे मोबाइल में डाल लेनी है। उसके बाद आपने एक लिंक ओपन करना है, उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आपने उसको ओपन कर लेना है और वहाँ पे जाके आपने फॉरगेट पे जाना है। उस लिंक पे आपने फॉरगेट पे क्लिक कर देना है और ये देखिए अभी रीसेट पासवर्ड है। अब हम यहाँ पे अपना ईमेल और या फ़ोन नंबर जो हमने अपने MI के अकाउंट में दिया हुआ था वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो हमारा नंबर जो है वो हम यहाँ पर टाइप करें। आप नंबर टाइप करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अभी ये वेरिफिकेशन कोड हम इसमें एंटर कर देते हैं, ये जो ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा, तो जो आपके पास आएगा आपने उसको इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद सारा कोड आपने इसको सबमिट कर देना है। अभी जो हमारा जो वेरिफिकेशन का कोड है वो हमारी सिम पे जा चुका है, देखें अभी ऊपर मैसेज भी आ चुका है। तो वहाँ से जाके हमें जो शाओमी की तरफ से MI का अकाउंट का जो हमें वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा हम वो इसमें एंटर कर देंगे। अभी मैसेज में जाके हमने चेक किया और यहाँ पे हम उसको एंटर कर रहे हैं। एंटर करने के बाद आप सबमिट करेंगे यहाँ से, इसको सबमिट करने के बाद क्या होगा कि ये हमारा जो MI का अकाउंट लगा हुआ है हमारी डिवाइस पे, इस पे जो हम पासवर्ड भूल चुके हैं उसको हम यहाँ से रीसेट करके दोबारा से नया पासवर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं। और एंटर योर न्यू पासवर्ड, अब हम यहाँ पे अपना नया पासवर्ड ऐड करेंगे। ऐड करने पर बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब ये देखें, चेंज पासवर्ड सक्सेसफुली, अब हमारा जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब हम अपने जो हमारी लॉक MI का अकाउंट है हम उसमें डिवाइस में जाएंगे और यहाँ से जाके हम पहले अपने वाई